राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रवीण और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देखो इंडिया 365 पर। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ में स्थित धर्मस्थला शहर में। दोस्तों, इस रास्ते पे मुझे वो गाना याद आ रहा है, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं हमें ये रास्ते। देखिए आप, कितना मस्त लग रहा है पूरा रास्ता। तो अब हम पहुँच गए हैं धर्मस्थला, जहाँ से ये गेट मिलेगा हमें, इसी गेट से हमें एंट्री करनी है इस गांव के अंदर। और गांव में एंट्री होते ही धर्मस्थला में आपको रहने के लिए फ्री में भी मिल जाएगा और 50-100 रुपये से होटल का किराया शुरू हो जाता है। आप फिर 5,000 तक भी रह सकते हैं। ये सर्कल दिखेगा शिव जी का, इसके जस्ट बाद फिर होटल है, गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है, मार्केट है, सब है। तो फिर हमने रूम बुक किया और यहाँ पर हमें रूम 100 रुपये में पड़ा। तो अब दोस्तों हम फ्रेश हो गए, अभी चलेंगे सीधा मंदिर दर्शन करने। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो है भगवान शिव को समर्पित मंजूनाथ मंदिर, जो कि 800 साल पुराना है और पूरे यहाँ के पूरे गांव के अंदर सबसे बड़ा और सबसे पुराना यही मंदिर है। इस मंदिर का प्रशासन जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। यह मंदिर अंदर से पूरा लकड़ी का बना हुआ है। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है दोस्तों, तो हम मोबाइल जमा करवा देंगे बाहर ही और उसके बाद सीधा चले जाएंगे हम दर्शन करने। कम से कम 200 लाइन पार करने के बाद अब हम मंदिर में घुस गए हैं। मंदिर में आराम से दर्शन किए। यहाँ पे दोस्तों शर्ट उतार के ही दर्शन कर सकते हैं आप, जो भी जेंट्स हैं उन्हें शर्ट उतार के दर्शन करना है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं आपके लिए एक फ़ोटो रख देता हूँ, आप दर्शन कर सकते हैं। और फिर दर्शन करने के बाद अब हम सीधा चलेंगे अन्नपूर्णा की ओर। दोस्तों, यहाँ का जो अन्नपूर्णा प्रसाद गृह है वो पूरे कर्नाटका का सबसे बड़ा प्रसाद गृह है। यहाँ पे हर रोज़ 3,000 से 4,000 लोग फ्री में प्रसाद ग्रहण करते हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक ही समय में 3,000 से 4,000 लोग एक साथ बैठ के खा सके, इतनी बड़ी जगह है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऐसी ही जगह 3 माले में बनाई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि रोज़ के यहाँ कितने लोग खाना खाते होंगे। यहाँ प्रसाद भोजन प्रसाद का समय सुबह 11 से 2 और शाम को 7:30 से 9 बजे का रहता है दोस्तों। ये देखिए आप, कितनी नीट एंड क्लीन प्लेस है, एकदम कंप्लीट। ये देखिए, और इतना ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन प्रसाद भी रहता है। तो आप कभी भी यहाँ आए तो यही अन्नपूर्णा में प्रसाद लें। तो अब दोस्तों, भरपेट प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम चलेंगे आगे। यहाँ मंदिर से जस्ट पास में ही मंजूसा म्यूजियम करके है, हम वहीं जाएंगे अभी। तो अब हम आ गए हैं मंजूसा म्यूजियम। इस म्यूजियम का समय सुबह 10 से 1 और शाम को 4:30 से 9 बजे तक का है दोस्तों। तो आप कभी भी आए तो ये समय का ध्यान रखें। इस म्यूजियम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराने और मंदिर के रथ हैं अंदर कुछ, वो भी बहुत पुराने और हैवी है। और इस म्यूजियम में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी वो है क्लासिकल और पुरानी जो कारें हैं, वो मॉडिफाई की हुई कार है, जो बहुत पुरानी कार है, जो आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो वैसी कारें भी आपको इस म्यूजियम में बहुत मिलेगी। मैं आपको एक दो फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। म्यूजियम को पूरा देखने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं रामा मंदिर, जो रामा तीर्थ क्षेत्र के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तो ये देखिए बाहर से कैसा व्यू आ रहा है। रेड और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन इस मंदिर में बहुत 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 ही ज़ोरदार अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा मंदिर है रामा तीर्थ क्षेत्र का। फिर यहाँ पे भी दर्शन किए, शिव और रामा दोनों को समर्पित ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। फिर आराम से दर्शन करने के बाद एक दो फ़ोटो खिंचवाए, और फ़ोटो शूट करने के बाद हम सीधा निकल गए अभी पास ही में स्थित बाहुबली हिल।
बाहुबली हिल यहाँ का धर्मस्थला का सबसे ऊंचा एरिया माना जाता है। तो हम पहुँच गए बाहुबली हिल के पास। यहाँ से हमें पैदल ही कम से कम 150 सीढ़ी के आसपास चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं बाहुबली हिल की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं बाहुबली हिल पर स्थित भगवान श्री बाहुबली दिगंबर जैन स्टैचू। यह स्टैचू भगवान श्री बाहुबली को समर्पित है। यह स्टैचू 39 फीट का स्टैचू है। इसका वजन 175 टन है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यहाँ से मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना, शेयर करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।